पैगाम तो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हुए, बड़े ज़ोरदार हुए, लाहौर की बिजनेस कम्यूनिटी ने बड़ा साथ दिया और आज 37वां दिन है मोहब्बतों का और मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जीत भी कोई छोटी जीत नहीं थी। हमारे जो टॉपर थे आहद अमीन मलिक साहब, उन्होंने लिए 4520 वोट्स, और दूसरे ग्रुप से जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे उन्होंने लिए 2810 वोट लिए। 2710 वोटों का फ़र्क है, ऑलमोस्ट एक वोट अगर उन्हें पड़े तो दो वोट हमें पड़े हैं। इतने वोटों का गैप, इतना सब कुछ, यहाँ मुबारकबाद दे के गए हैं, घर गए हैं तो पता नहीं उनको समझ नहीं आ रही। हमें एक दफ़ा नहीं, हम 100 दफ़ा गिनती कराने को तैयार हैं। अब उनके इलेक्शन कमीशन ही भाग जाएँ और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करें तो देखें, हमारी लिमिटेशन है क्योंकि गिनती होनी है, उनकी निगरानी में होनी है, तो वही अगर भाग जाएं तो उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ टेक्निकल मामलात होते हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी बहुत बड़ी जीत दी है, बिज़नेस कम्यूनिटी ने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो टीम है पूरी कैपेबल है और इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। और बिज़नेस कम्यूनिटी को महसूस होगा कि मुश्किल की घड़ी में हम अपनी बिज़नेस कम्यूनिटी के साथ खड़े होंगे, उनके प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम्स हैं और उसको रेक्टिफाई करेंगे तो इस इदारे की भी इज्जत बहाल होगी और दोस्तों का एतमाद भी बहाल रहेगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा कोशिश करेंगे हम अपनी बिज़नेस कम्यूनिटी को रिलीफ दे दें, चाहे वो सनत हो, चाहे वो ट्रेड से दोस्त वाबस्ता उनके मसाइल हों। इंशाल्लाह हर इशू को इस चैम्बर ने एड्रेस करना है और इंशाल्लाह हमारे प्रेसिडेंट साहब और उनकी टीम पूरी कैपेबल है और इंशाल्लाह दबंग लोग हैं, झिझकने वाले नहीं हैं और इंशाल्लाह 10,000 के करीब जो वोट पड़े हैं इस चैम्बर इस हालिया इलेक्शन में, इससे बड़ा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में अब तक नहीं हुआ और बड़ी दुनिया की निगाहें इस पर थीं और अल्लाह ने सुरखरू किया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हमारे दोस्त जो हैं अपने दोस्तों के एतमाद पर पूरा पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे।